नमस्कार, मंगल मैत्री। आप सभी को आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर रुड़की की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि भारत में अनेक प्रतिभाओं ने जन्म लिया। उड़न परी के नाम से पीटी उषा और मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर, और इसी तरह हॉकी के महान जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद जी हमारे देश में जन्मे। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। 2012 में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में 29 अगस्त उनके जन्मदिवस को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और 2012 से अब तक हम मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी इलाहाबाद में जन्मे और 16 वर्ष की आयु में वो सेना में भर्ती हो गए। सेना में उनके मित्र थे सूबेदार मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी की प्रेरणा से उन्होंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया। मनोज तिवारी जी ने उनको प्रेरित किया कि आप हॉकी खेलिए, आप अच्छा खेल सकते हैं। उन्होंने उनकी प्रेरणा से हॉकी खेली और यकीन कीजिए वो इतने बेहतरीन खिलाड़ी बने कि जब वो स्टेडियम में खेलते थे, एक बार बॉल अगर उनकी स्टिक से चिपक गई तो जब तक गोल नहीं होता था तब तक वो बॉल वहाँ से नहीं हटती थी। और यही कारण था कि एक बार बीच में मैच को रोक करके उनकी स्टिक को चेक किया गया, बीच से तोड़ के देखा गया कि कहीं उनकी स्टिक में कोई चुंबक तो नहीं लगी, कि एक बार बॉल चिपकने के बाद वो हटती कैसे नहीं है। लेकिन जब उनकी स्टिक को तोड़ा गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें नई स्टिक दी गई, उन्होंने नई स्टिक से भी वैसा ही कमाल किया, बॉल को चिपका और सीधे गोल के पार पहुंचा दिया गया। मेजर ध्यानचंद जी उस टीम का हिस्सा थे जो ओलंपिक में लगातार 3 बार स्वर्ण पदक जीत के लाए। 1928 एम्स्टर्डम में, 1932 में लॉस एंजिल्स में, और 1936 बर्लिन ओलंपिक में भारतीय टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और 1936 के बाद मेजर ध्यानचंद जी को भारतीय टीम का कैप्टन बना दिया गया था। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने पूरे करियर में, अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से ज़्यादा गोल किए, और पूरे जीवन में उन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा गोल किए हैं। ये मेजर ध्यानचंद जी का इतिहास है कि वो खेल के लिए पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा है। आज अगर मैं बात करूँ, हमें पर्ण करना चाहिए, हमें संकल्प लेना चाहिए उनके जन्मदिवस के अवसर पर कि हम किसी भी एक खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ठीक है, अगर हम किसी भी एक खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो हम अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ बना पाएंगे और मानसिक रूप से दृढ़ बना पाएंगे। अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे, तो तभी अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने जीवन में एक खेल को जरूर अपनाइए, और यही हमारी मेजर ध्यानचंद जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठीक है, आपको एक बार फिर आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर परिवार की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। नमस्कार। Never say never, because limits like fear are often just an illusion. Mangal Maitri to all. I'm Lakshmi Rawat, national sports athlete player. Today I'm going to talk about National Sports Day. August 29 is celebrated as National Sports Day in India. It is the birthday of the legend Major Dhyan Chand, one of the best sportsmen ever to have graced the game of hockey. Hockey always has a special place among Indians. मंगल मैत्री, मैं पल्लव चौधरी, नेशनल एथलीट, आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर रुड़की। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस एवं मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।